अपने चैनल आईटी नॉलेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने SSO आईडी के पासवर्ड को फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप अपनी SSO आईडी को लॉगिन कर रहे हो और आपके सामने कुछ इस तरीके से नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि अलर्ट इनवैलिड डिजिटल आइडेंटिटी SSO आईडी यूजर नेम और पासवर्ड, तो दोस्तों अगर आपके सामने इस प्रकार का अलर्ट मैसेज आ रहा है तो आप उसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, अपना नया पासवर्ड SSO आईडी में किस तरीके से बना सकते हो। तो दोस्तों ये सब देखने के लिए आपको हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना होगा। और दोस्तों अपने इस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों अगर यार आप पहली बार अपने चैनल पे आए हो तो अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है दोस्तों यार दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप बहुत कम अपने इसको सब्सक्राइब और लाइक बहुत कम करते हो। दोस्तों हमारी इस छोटी सी मेहनत के लिए आप एक अपना छोटा सा सब्सक्राइब तो अपने इस चैनल को कर ही दीजिए और आपको हमारा ये वीडियो लाइक करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आप ये नया पासवर्ड बना सकते हो SSO आईडी का। तो दोस्तों देखते रहिए अपने वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पे SSO आईडी आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे URL बॉक्स में यहाँ पे टाइप करना होगा SSO। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ जाता है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाता है। कुछ देर बाद में आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाता है कैसे आप अपने राजस्थान SSO आईडी को फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैं आपको वीडियो पर बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम एक बार डाल देना है KUMAWASOCC। उसके बाद में आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आई फॉरगेट माई पासवर्ड नीचे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन के नीचे, यहाँ पे आप आई फॉरगेट माई पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ तो आपको अपनी यूजर नेम टाइप करना है। उसके बाद में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको ईमेल आईडी डालना है। अगर ईमेल आईडी आपकी SSO आईडी से लिंक नहीं है तो आपको आधार नंबर डालना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, या आधार नंबर है यहाँ पे अपना डाल देते हैं। जैसे अपना आधार नंबर यहाँ पे डालते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। दोस्तों ध्यान रहे कैप्चा आपको सही डालना है। उसके बाद में आपके आधार पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP भेजता है, तो यहाँ पे ये बता रहा है OTP का ऑप्शन आता है तो आपको OTP सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में OTP भेजे पे क्लिक करना है। जैसे आप OTP भेजे पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज भेज देगा जिसमें 6 डिजिट का OTP रहेगा और वो आपको डालना है। तो दोस्तों जैसा कि अपने मोबाइल पे OTP आ जाता है कुछ देर बाद में तो आपको वो OTP यहाँ पे डालना है। उसके बाद में OTP मारने पे क्लिक करना है। जैसे आप OTP मारने पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाता है और आपकी मेल आईडी पे पासवर्ड सेंड कर देते हैं। तो आपके सामने 6 डिजिट में और ये आ जाता है तो आपको वो पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पे आपको जो अपने यूजर नेम कॉपी किया था अपना यूजर नेम जो भी आपका यूजर नेम हो वो आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पे जो लास्ट में पासवर्ड आता है 8 डिजिट में उसको यहाँ पे आपको डालना है और आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड में जो 8 डिजिट में आपके मोबाइल पासवर्ड आता है वो आपको यहाँ पे डालने होंगे। और फिर आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड लिंक पासवर्ड बना देना है। जैसे मैं यहाँ पे नया पासवर्ड अपना बना देता हूँ। तो आपको फिर यहाँ पे नया पासवर्ड अपना दोबारा रिट्राइव कर देना है और आपको यहाँ पे फिर कैप्चा डाल देना है। जैसे आप कैप्चा डालोगे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि आपके लॉगिन आईडी सक्सेसफुल, पासवर्ड फॉर ये अपना सक्सेसफुल सेंड यूर मोबाइल नंबर एंड आपका ये नया पासवर्ड क्रिएट हो गया है। तो जैसे आप वापस अपनी SSO आईडी पे पहुंचोगे तो आपके सामने यहाँ पे आपको अपना जो SSO आईडी है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। जो भी आपकी SSO आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। जो पासवर्ड अपन ने न्यू पासवर्ड बनाए थे वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं और उसके बाद में आपको ये कैप्चा डालना है और सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाता है। कुछ देर बाद में आप दोस्तों देखते हो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है और आपको जो भी आपका ये रिक्वायरमेंट स्टेटस इस पे क्लिक कर देना है
और आप सिंपली तौर पे जो आपके द्वारा फॉर्म भरे गए हैं उस पेज पे आप पहुंच जाओगे और आने वाली सभी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी इधर ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट पोर्टल पे मिलती रहेगी। और दूसरी आपको नोटिफिकेशन इस पे मिलता रहेगा और माय एप्लीकेशन पे आपको जो आपने फॉर्म भरे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताया कि राजस्थान कांस्टेबल का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आप उसको पता कर सकते हो। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार अपने चैनल पर नए आए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों यार इस सब्सक्राइब लाल बटन को आप दबा दो ताकि आपको मिलती रहेगी आने वाली वीडियो की सबसे पहले जानकारी। और राजस्थान कांस्टेबल और सरकारी वैकेंसी की जानकारी के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, थैंक यू।